हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी के सॉफ्ट। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह हम अपनी ASP.NET कोर है की एप्लीकेशन के ऊपर हम थीम को इंटीग्रेट कराते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इश्यूएंस कंट्रोलर को किस तरह क्रिएट करते हैं और उसके अंदर के एक्शंस को देखा था कि किस तरह उसके एक्शन रिजल्ट को क्रिएट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं और उसके अंदर जो है वो हम यहाँ पर अप्लाई कराते हैं थीम को। थीम को इंटीग्रेट कराने के लिए सबसे पहले हमें गूगल से एक थीम को डाउनलोड करना पड़ेगा और उस थीम का नाम है एडमिन पैनल। एडमिन पैनल टेम्पलेट फ्री फ्रॉम फ्री CSS। सो फ्रेंड्स, ये वेबसाइट से जो है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं थीम, और ये थीम आपकी अप्लाई होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे थीम्स के ऑप्शंस हैं, आप जो सी भी चाहें, आपको जो भी अच्छी लगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाली थीम सेलेक्ट की है एडमिन LTE की, और यहाँ पर सबसे पहले आप लाइव डेमो करके भी देख सकते हैं कि इसका ओवरव्यू, कि इसके UI वगैरह किस तरह की है, इसका डिज़ाइन कैसा है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये सारी चीज़ें आप लाइव डेमो में देख सकते हैं। और उसके बाद इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद इसको हम अपने पास यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो सबसे पहले यहाँ से जाके हम इसे, ये हमारे पास आ चुकी है, अब यहाँ पर आके इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो हमने, हमारे पास ये जो है वो थीम एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर से हमें अप्लाई कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास ASP.NET Core MVC के अंदर यहाँ पर WWW रूट का फोल्डर होता है, जिसके अंदर कुछ फोल्डर्स, सब फोल्डर यानी CSS, JS और लाइब्रेरी के फोल्डर पहले से ऑलरेडी मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमने करना ये है कि अपनी थीम के अंदर जाके यहाँ पर जो फोल्डर्स हैं, 5 फोल्डर, इसको हमने क्या करना है, 6 फोल्डर, इन सबको हमने सेलेक्ट करके अपने पास उस WWW रूट के फोल्डर के अंदर रख देना है। जैसे ये 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 सारे मैंने यहाँ से करना है इसको कॉपी, और अपने पास WWW रूट के फोल्डर के अंदर जाके इसको कर देना है पेस्ट। सो ये पेस्ट हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे फोल्डर आ चुके हैं। अच्छा, सेकेंडली अब हमें करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर ये एक जो है वो डिज़ाइन पेज होगा, और ये एक तरीके से थीम होगी, और इसका इफ़ेक्ट आपके हर पेज पर आ रहा होगा। तो इसके लिए अब यहाँ पर हमें एक चीज़ मालूम है कि यहाँ पर अगर थीम जो है वो हमारे पास यहाँ पर किस नाम से मौजूद होती है, शेयर्ड के अंदर layout.cshtml फाइल, ये हमारे पास वो वाली डिज़ाइन फाइल होती है जो हमारी होल एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल होती है, जिसे हम मास्टर पेज भी कह सकते हैं। ASP.NET के अंदर इसे हम मास्टर पेज कहते थे। सो अभी हम करेंगे ये कि यहाँ से अब हमारे पास एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ से डिज़ाइन का पेज ये होता है पूरा, यानी डिज़ाइनिंग सारी ये होती है, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर आपके पास एक चीज़ होती है जो कि कहलाती है @RenderBody। रेंडर बॉडी का फंक्शन यहाँ पर इसलिए अप्लाई किया जाता है कि पूरी डिज़ाइन के अंदर आपको पर्टिकुलर पेज के डिज़ाइन को भी डिफाइन करना है, तो वो हमारे पास @RenderBody से होता है। इससे होगा ये कि हर पेज पे डिज़ाइनिंग ये पूरी अप्लाई होगी, लेकिन उस पेज की पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग जो है वो इस के थ्रू आएगी। ओके, सो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर इस थीम के लिए डिज़ाइन हमारे पास मौजूद है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, और ओपन करते हैं अपने पास नोटपैड से। नोटपैड से ओपन करने के बाद यहाँ पर ये पूरा हम कोड करेंगे कॉपी, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पर कर देंगे इसको पेस्ट अपने लेआउट के पेज में। ये हमने कर दिया पेस्ट। अब हमें जो है वो रेंडर बॉडी अप्लाई करना है, और जिसके थ्रू होगा ये कि हमारे अपने पर्टिकुलर पेज का डिज़ाइन भी उस पर शो होगा। तो यहाँ पर हम करते ये हैं कि यहाँ पर इस डिज़ाइन को हमें अप्लाई करना है फूटर के ऊपर। सो फूटर को सर्च कर लेते हैं कि फूटर कहाँ मौजूद है हमारे पास, तो फूटर के ऊपर इसको हम अप्लाई करेंगे। सो
सो फ्रेंड्स ये हमारे पास फोटर मौजूद है। फोटर से ऊपर हमें इस चीज़ को अप्लाई कराना है। तो फोटर से ऊपर अप्लाई कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं @render_body, ओके। और इसको सेव करने के बाद एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है। तो रन होने के बाद हम देख लेते हैं इसका इफेक्ट क्या आ रहा है हमारी एप्लीकेशन का। ओके सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास अप्लाई हो गई, ये सारी की सारी पूरी की पूरी टेम्पलेट हमारे पास अप्लाई हो गया। इसके अंदर से हम सिर्फ अपने पास जो हमें यूज़ करने की चीज़ें होंगी उसको हम रहने देंगे, बाकी सारे डिज़ाइंस को जो हमारे इस्तेमाल की नहीं है, जो कि हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से फिजिबल नहीं है, उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रेंडर बॉडी ये मौजूद है, इससे आपके उस पर्टिकुलर होम पेज का डिज़ाइन आ रहा है जो हमने फोटर के ऊपर लगाया था। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम अपनी एप्लीकेशन के ऊपर अपने टेम्पलेट को इंटीग्रेट करा सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये तमाम जो यूज़लेस चीज़ें हैं हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से, उसको हम अपनी एप्लीकेशन के डिज़ाइन से रिमूव करेंगे और अपनी एप्लीकेशन के डिज़ाइन को अचीव करेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू, कीप लाइक कीप शेयरिंग।